असे पंच स्वप्निल खानविलकर आणि लक्ष्मण शर्मा खरोखरच डू ऑर डाय अशी हा मॅच. जो संघ इस टूर्नामेंट का ये पहला डू ऑर डाय मैच दोनों अतिशय तुल्यबळ असे संघ ये निर्णायक मैच इस पोल का डिसाइडर मैच कहा जा सकता है. और पंच डोळ्यात तेल टाकून पहिला चेंडू वरती सिंगल घेतलेला आहे. पहिल्या चेंडूवरती एक रन घेऊन संघाचं खातं खोललेलं आहे. ते सुंदर असा तटावलेला चेंडू तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण एक धाव मात्र पूर्ण. खरोखरच पुढील चेंडू घेऊन आता मात्र तटावण्याचा प्रयत्न केलेला आहे परंतु हा चार धावा. कृपया पेरेंट्स ना रिक्वेस्ट किया हुआ है कि अपने बच्चों को कृपया ग्राउंड से बाहर ले लीजिए. ये निर्णायक मैच है. चार बच्चों को बाहर ले लीजिए प्लीज. ये रिक्वेस्ट है क्योंकि ये निर्णायक मैच है. ये डिसाइडर मैच है. हर एक पेरेंट्स को रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को कृपया ग्राउंड से बाहर रखिए दूर रखिए. पुनः एकदा तटालेला चेंडू आणि हा तितका चांगला क्षेत्र रक्षण. सहा धावा आपल्या संघासाठी रोखलेल्या आहेत. ते म्युरियल संघासाठी पहिल्याच पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनं बिनगड्याच्या मोबदल्यात सात धावा धावावरती आणि हा स्वर चेंडू घोषित करताना पंच स्वप्निल खानविलकर दोन्ही हात समांतर करून स्वर घोषित करताना धाव फलक मात्र हलता ठेवताना या ठिकाणी आता मात्र तटावलेला चेंडू आणि हा मात्र सीमा रेखा पार सहा धावांसाठी. रिव्हर्यूस संघाचं पहिलंच आक्रमक असा फटका. पहिल्या षटकामध्ये 14 धावा आतापर्यंत जमा केलेल्या आहेत. त्यांनी धाव फलकावरती लावलेल्या आहे. पुन्हा एकदा तटावलेला चेंडू आणि हा सहा धावांसाठी सीमा रेखा पार पंच स्वप्निल खानविलकर दोन्ही हात उंचावून षटकार घोषित करताना आणि या आधीच्या मॅचचे सामनावीर म्हणून मार्टिन यांना घोषित करण्यात आलेला आहे. व मार्टिन यांचं सन्मान चिन्ह देऊन
प्रशांत थोरात सन्मान चिन्ह देऊन गौरव करताना मार्टिन यांचं पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 20 धावा. धावफलकावरती काहीस महागडं षटक म्हणावं लागेल ते. वैयक्तिक पहिला संघासाठी दुसरं षटक घेऊन नेहाल 8 धावपावलांचा असा हा रन पंचांच्या डाव्या बाजूने मारा करताना आणि तितकाच आक्रमक असं हे फलंदाजीचं मिरवल या संघाकडून दाखवताना फटकेबाजी. रिव्हरव्यू संघ कोणताही जोखीम घेण्याऐवजी एकदम संयम तसंच आक्रमक दोन्ही प्रकारचा खेळ या ठिकाणी दाखवताना पुढील चेंडू घेऊन नेहाल. आता मात्र तटवण्याचा प्रयत्न होता मात्र प्रयत्न असफल आणि हा निर्धाव चेंडू. एक षटक आणि दोन चेंडूंच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 21. खरोखरच दोन्ही अतिशय तुल्यबळ असे हे संघ क्वालिफायसाठी प्रयत्न करताना पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू. खरोखरच बॅट्समनला जखडून ठेवण्यामध्ये नेहाल उत्तीर्ण. आता मात्र तटवण्याचा प्रयत्न तितक्यात चांगलं क्षेत्ररक्षण. एक धाव मात्र पूर्ण. या एका धावेने धावसंख्या झालेली आहे 22. हा तटवलेला चेंडू सीमा रेखा पार 6 धावा. या 6 धावेने धावसंख्या झालेली आहे ती 28. शेवटचा चेंडू शेवटच्या दोन चेंडूंवरती आक्रमकता दाखवत आहेत ते रिव्हरव्यू संघ आणि खरोखरच उत्कृष्ट अतिशय उत्कृष्ट असा हा चेंडू. एक धाव मात्र एक धावेने धावसंख्या झालेली ती 29. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली ती 29 धावा. धावफलकावरती शफिक वैयक्तिक पहिला आणि संघासाठी तिसरा षटक घेऊन शफिक. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. सामना करतील रिव्हरव्यू. रिव्हरव्यूचा फलंदाज शफिक 2-4 पावलांचा 6 रन. आता मात्र तटवलेला चेंडू पाहूया. पुन्हा एकदा उत्तुंग असा हा षटकार. खर संख्येत भर धावसंख्या झाली ती 35 धावा. पुन्हा एकदा टटवलेला चेंडू ऑफसाइडच्या दिशेने आणि
लगेच ब्रेक होतो आता. आणि हा पुन्हा एकदा सत्कार शपिक गोलंदाजी करतील. शपिक डाव्या हाताने गोलंदाजी करत आहे आणि हा शॉर्ट बॉल आणि त्याला हुक कर केलेला केलेला होता स्क्वेअर लेग पर. त्या स्क्वेअर लेग फिल्डरने एक सोपा झेल घेण्यात आला आहे. बॅट्समन नेम प्लीज. अमय बल्लेबाजी के लिए गए है. अमित ने एक रन लिया. अमय एक रन के साथ हमने अपना खाता खोला. ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. ऑफ स्टंप के काफी बाहर और बाहर की तरफ पूरी तरह शपिक गेंदों में बार लाइन और लेंथ. फिर शपिक बाया से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे. बैट्समैन कौन बोला वो नाइन और उसे कुलदीप उछा ना पाते थे स्क्वायर लेग के ऊपर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लेकिन गेंद ने उनका बाहरी किनार लिया और गेंद विकेट कीपर के पास गई और इसी तरह विकेट कीपर ने उस कैच को लपेटने में कोई गलती नहीं की. पवेलियन में रोट गए और दूसरा विकेट को दिया है रिवर वन ने. बॉलर्स नेम स्कोर क्या हुआ. बॉलर नेम स्कोर क्या हुआ. स्कोर क्या हुआ. वो लोग स्कोर पूछ रहे हैं. फोर्टी टू 42 रन 42 और शॉर्ट गेंद जैसे ही शॉर्ट मिले गेंद बैकफुट पे गए स्ट्रोक के लिए जगह बनाए मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए काफी सुंदर शॉट. प्रवीण रोहन रोहन गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ से और थोड़ा पेरेंट्स और बच्चे को बाहर लीजिए. 48 रन 48 फॉर वन विकेट. फिर एक बार रोहन गेंदबाजी करेंगे प्रवीण को. फिर एक बार शॉर्ट गेंद और उसे उछाल दिया. देखना है बॉलर्स उस गेंद के नीचे गए थे पाए और एक कैच छूट गया एक जीवदान मिला और इसे के साथ कुल स्कोर हुआ 49. फिर एक बार अपने बॉलिंग मार्क पर इस बार अमय को शॉर्ट गेंद
और सुन कला किया गेंद को पूरी तरह चार रनों के लिए सुंदर शॉट, जबकि स्कोर हुआ है 53 रन 53। फिर एक बार कुलदीप से ओवर द विकेट, फिर एक बार गेंद को पूरी तरह चकमा देते हुए गेंद विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। ऐप मेरा लोड नहीं किया है डाउनलोड। फिर एक बार राहुल गेंदबाजी करेंगे अमय को, और ओवर पिच गेंद, सुंदर शॉट, काफी ऊंचाई तक मारा हुआ शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ कुल स्कोर हुआ 59 59 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बहुत हुआ। फिर एक बार अफस्तम के काफी बाहर थी, थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, पहले से बैकफुट पर जा चुके थे, गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए में और गेंद गए मिड विकेट के ऊपर 1 रन के लिए। 1 रन के साथ स्कूल को हुआ 60 रन 60 आफ्टर 4 ओवर्स 4 ओवर्स 60 फॉर 2 विकेट। और इस इनिंग में आखिरी ओवर लेकर आ रहे शफीक, जी करेंगे 60 60 रन 2 विकेट के नुकसान पर आफ्टर 4 60 फॉर 2। शकीब 4 ओवर आफ्टर 4 ओवर फॉर 2 विकेट। और ये आखिरी ओवर इनिंग का लेकर आ रहे शकीब, शकीब गेंदबाजी करेंगे बाएं हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं अमय को, बहुत ऑफ स्टंप के काफी बाहर की तरफ जाते हैं, पूरी तरह चकमा देते हुए गेंद विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। सुंदर गेंदबाजी, फिर एक बार शकीब, अच्छा गेंदों का मिश्रण करते हुए, कभी तेज गेंद डालते हैं कभी धीमी गेंद, और दोनों तरफ गेंद को स्विंग करते हैं शफीक। एक ओवर में दूसरी बार ओवर द विकेट, और फुल टॉस गेंद और नो बॉल का इशारा, जबकि कंधे के उपाय ऊंचाई के ऊपर से जाती हुई गेंद 6 रन के लिए के साथ है 67 रन 67 2 विकेट के नुकसान पर। शकीब और ओवर द विकेट, ओवर पिच गेंद, गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला 1 रन के लिए लोकेश को, इस 1 रन के साथ 68 रन विकेट के नुकसान पर। शकीब गेंदबाजी करेंगे अब प्रवीण को, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट गेंद, काफी सुंदर शॉट, जैसे ही गेंद शॉट मिले बैकफुट पे गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई, पुल कर दिया 6 रनों के लिए। शकीब गेंदबाजी करेंगे, गेंद को उछाल दिया है लॉन्ग रन की तरफ, गेंद काफी हवा में है, और एक लोकेश उस गेंद के नीचे आए थे लेकिन उस कैच को लपेट नहीं पाए। कैच
प्रवीण को फिर एक बार फुल टॉस, लॉन्ग मिड विकेट के ऊपर से 4 रनों के लिए, और इस 4 रनों के साथ कुल स्कोर हुआ है 84 रन। आ रहे काफी महंगे साबित हो रहे सकीब। शकीब गेंदबाजी करेंगे प्रवीण को, और काफी ऑफ स्टंप के बाहर, इस और बाहर की तरफ जाते हुए वाइड बॉल का इशारा। इस 1 रन के साथ स्कोर हुआ है 85 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में आखिरी बार आते हुए शकीब, और इनिंग के आखिरी रन ले गेंद लेके लेकर आते हुए शकीब बायस से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, फिर एक बार पूरी तरह चकमा दिया और गेंद विकेट के पीछे, जबकि उनका बल्ले का बाहरी किनार लिया था और गेंद विकेट कीपर के पास, और इसी तरह प्रवीण आउट होकर पवेलियन में लौट गया और इसी इनिंग का अंत हो गया, जबकि स्कोर हुआ 85 रन 2 विकेट 5। जब शकीक ने 2 ओवर में 38 रन दिए, काफी महंगे साबित हो गए, 3 विकेट लिया, लेकिन पलावा स्टार एंड रिवर व्यू राइडर बोट का टीम कैप्टन टू बी कम फॉर टॉस, पलावा स्टार्स एंड रिवर व्यू। बोथ टीम कैप्टन्स पलावा स्टार एंड रिवर व्यू। बैट्समैन नेम प्लीज, बॉलर नाम अभी उसे टी शर्ट पे दिख रहा है क्या? राजू राणा बॉलर। ओके जबकि 85 रनों की जरूरत है म्यूरल स्टार के लिए 85 रन की, 85 कुल स्कोर हुआ है, 86 रनों की जरूरत है 86 रनों की। रिवर व्यू वन टॉस एंड नेक्स्ट मैच रोल मास्टर। ओपनिंग बैट्समैन प्लीज, उनको बोल बैट्समैन का नाम इधर आवाज देना। शाहनवाज कुट शाहनवाज इज ऑन स्ट्राइक एंड नॉन स्ट्राइकर इज दीपक। ओके थैंक यू। जी करेंगे शाहनवाज को स्टंप काफी बाहर, और गेंद को बाहरी किनार लेते हुए गेंद विकेट कीपर के पास, इसी के साथ पहला झटका दे दिया है एक बिना कोई विकेट बिना रन कोई, 1 विकेट पे नुकसान पर बिना कोई रन। और अब बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं लोकेश,
लोकेश गांगुल्ड है बल्लेबाजी के लिए। जबकि 86 रनों की जरूरत है और पहला विकेट खो दिया बिना कोई स्कोर हुए। अपने गेंदबाजी पर आते हुए लोकेश फील्ड का मुआयना करते हुए, जबकि ऑफ साइड पे 5 और ऑन साइड पे 4, इस बीच में राजू राणा गेंदबाजी करेंगे लोकेश को, और फॉलो थ्रू में स्ट्रेट ड्राइव किया था, काफी तेज शॉट लगाया था लोकेश ने, लेकिन फॉलो थ्रू में उस कैच को लपेटने में कामयाब नहीं हो गए। जीवन दान मिला जबकि दूसरी विकेट थी। अभी फॉलो थ्रू में कैच लेना काफी आसान नहीं होता है, जबकि अपने ही गेंद पर गेंदबाजी करने के बाद फिर एक बार राजू राणा गेंदबाजी करेंगे लोकेश को, एक बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर और बाहर की तरफ जाती है, और वाइड बॉल का इशारा अंपायर लक्ष्मण की तरफ से। ऐसे एक आकृति रनों के साथ एक रन एक विकेट के नुकसान पर राजू गेंदबाजी करेंगे, फिर एक बार लोकेश को और दो विकेट गेंदबाजी करेंगे लोकेश को। लोकेश ने उड़ा दिया लॉन्ग ऑन की तरफ एक रन के लिए, इसे एक रन के साथ कुल स्कोर हुआ 2 रन। मास्टर एक विकेट का नुकसान। फिर एक बार राजू राणा गेंदबाजी करेंगे, इस बार दीपक को, दीपक पहली बार खेलते हुए स्ट्राइक। राजू गेंदबाजी करेगा दीपक को, शॉर्ट गेंद से बाहर की और उसे पुल कर दिया लॉन्ग ऑन मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। सुंदर शॉट, इस 6 रनों के साथ कुल स्कोर हुआ 8 रन एक विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में 5वीं बार आते हुए राजू राणा दीपक को, फिर एक बार काफी अच्छी गेंद होते हुए, और दूसरे इस ओवर में थोड़ी सी और पिच थी, पूरी तरह बेट हो गए, फिर उसी तरह शॉट खेलने गए, पूरी तरह बेट हो गए, बल्ले और पैड के बीच में से गेंद सीधा रिक्टो पर जाकर गिरी, और एक राजू राणा की दूसरी सफलता, थोड़ी धीमी गेंद थी परिवर्तन के तौर पर, पूरी तरह चकमा दिए और गेंद सीधा रिक्टो पर जाकर गिरी, और दूसरा विकेट खो दिया है जबकि मुरल मास्टर ने। कुल स्कोर है 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और राजू राणा की दूसरी विकेट। गेंदबाजी करेंगे करण को, नए बैट्समैन, और करण ने उस गेंद को उछाला था, गेंद काफी देर हवा में थी, लेकिन लॉन्ग ऑफ के फील्डर काफी पीछे थे को ले नहीं सके, जब तक उन फील्ड करते एक रन। इस एक रनों के साथ कुल स्कोर हुआ 9 रन एक ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर। काफी अच्छी ओवर की समाप्ति राजू राणा की तरफ से, एक ओवर में 9 रन देकर 2 विकेट ले ले अपने पहले ओवर में, और अब गेंदबाजी के लिए आ रहे एक बार और स्क्वायर लेग की तरफ
ड्रोन 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 गेंदबाजी के लिए आए, ये क्या आया ना ड्रोन गेंदबाजी करेंगे लोकेश को, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर और बाहर की तरफ जाती है और नो बॉल का इशारा और ये फ्रीट मिला है। ड्रोन गेंदबाजी करेंगे लोकेश को, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और काफ़ी अच्छी गेंद, फिर ऑफ स्टंप के बाहर पूरी तरह चकमा देते हुए, और पिच गेंद थी उसे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उठाना चाहते थे लेकिन पूरी तरह चूक गए, गेंद विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं, 11 रन दो विकेट के नुकसान पर जबकि दूसरी ओवर चल रही है। फिर एक बार ड्रोन गेंदबाजी करेंगे लोकेश को, फिर एक बार लेग स्टंप के बाहर और बाहर की तरफ जाते हुए, अरे वाइड बॉल का इशारा अंपायर लक्ष्मण की तरफ से, इस एक रन के साथ कुल स्कोर हुआ है 12 दो विकेट के नुकसान पर। लोकेश को थी गेंद, लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने गेंद को कैच कर लिया और इसी के साथ विशेष रॉयल स्टार्स मास्टर ने और पहली सफर का ड्रोन की 3 विकेट के नुकसान पर 12 रन। राणा ने एक आसान सा कैच किया जबकि लॉन्ग ऑफ के में लोकेश गांगुड़े आउट होकर पवेलियन में लौट गए। बल्लेबाजी के लिए गए अक्षय इज ऑन स्ट्राइक वन, ड्रोन बाजी कर अक्षय को, मैंने यहाँ से ओवर द विकेट जैसे शॉट में फुट पे गए, स्ट्रोक के लिए जगह बनाई के लिए सुंदर स्कोर, ठीक है साथ अपना खाता खोल अक्षय ने, जैसे गेंद शॉट मिली बैकफुट पे स्कोर कट कर दिया पॉइंट के ऊपर 6 रनों के लिए, इस 6 रनों के साथ कुल स्कोर हुआ 12 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में पर आते हुए ध्रुवन उनकी अगली गेंद शॉट गेंद कट किया लेकिन फील्डर को चकमा नहीं देख पाए, पॉइंट के फील्डर के हाथों में एक रन, इस एक रन 19 रन के नुकसान पर। ड्रोन गेंदबाजी कर किरण पवार को, लक्ष्म के बाहर की तरफ जाते हैं और बाहर की तरफ और वन बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से, 20 3 विकेट के नुकसान पर, सॉरी ध्रुवन गेंदबाजी करेंगे किरण को और इस फुल टॉस गेंद और उसे उछाल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए, जैसे गेंद फुल टॉस मिली और मिड विकेट के ऊपर से लॉन्ग ऑन के ऊपर से उसे पुल कर दिया 6 रनों के लिए, 6 रनों के साथ कुल स्कोर हुआ 26 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मुरल मास्टर जबकि जीत के लिए उन्होंने उनको 86 रनों की जरूरत है जबकि 26 रन हो गए 3 विकेट खो दिए। दो ओवर के समाप्ति पर प्रिंस आ रहे बायस से ओवर द विकेट ओवर पिच गेंद रन के लिए अक्षय ने के साथ कुल स्कोर हुआ 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। प्रिंस फिर एक बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे, इस बार किरण पवार को अच्छी गेंद
ओडिशी स्लो धीमी गेंद थी और रक्षात्मक तरीके से खेला, गेंद को तीन विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार प्रिंस बायस से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। अच्छी गेंद, थोड़ी यॉर्कर लाइन की गेंद, पूरी तरह बीट दक्षात्मक तरीके से खेला, गेंद फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड किया प्रिंस ने, कोई रन नहीं। प्रिंस गेंदों को काफी रन कर रहे, धीमी गेंद डाल रहे, कभी तेज गेंद लगाते हुए लेफ्ट आर्म गेट। फिर एक बार लेग स्टंप पर, लेकिन लगती हुई गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं। अच्छी गेंदबाजी प्रिंस, इस ओवर में पांचवी बार आते हुए 28 रन तीन विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार प्रिंस लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, काफी अच्छी गेंद, फिर एक बार धीमी गेंद, पूरी तरह चकमा दे दिया अक्षय को, गेंद विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। 28 रन तीन विकेट के नुकसान पर, जबकि इस ओवर में प्रिंस लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, काफी लंबा रन अब इस ओवर में आखिरी बार। प्रिंस की अगली गेंद, ओ बहुत ही अच्छी गेंद, फिर एक बार ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद थोड़ी की बाहर की तरफ, और अच्छे ओवर की समाप्ति, जबकि इस ओवर में कुल 2 रन दिए उन्होंने जी। प्रिंस स्कोर समाप्त 3 ओवर्स। जबकि जीत के लिए 86 रनों की जरूरत है। जबकि गेंदों में थर्ड 28 for 3 विकेट आफ्टर 3 ओवर्स। नयनाज से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। कौन है बॉलर? राजीव राणा। हाँ, अपने लेकर आ रहे राजीव राणा। राजीव राणा गेंदबाजी, करण पवार को इस ओवर में दूसरी बार ओवर पिच गेंद, उसे फ्लिक कर दिया मिड विकेट की तरफ से 1 रन के लिए। इस 1 रनों के साथ स्कोर, कुल स्कोर हुआ 29 रन। फिर एक बार इस ओवर में तीसरी बार आते हुए राजीव राणा गेंदबाजी करेंगे अक्षय को। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, काफी अच्छी गेंद, थोड़ी धीमी गेंद, ऑफ स्टंप पर निकलने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ जाते हुए पूरी तरह चकमा दिया अक्षय को, और गेंद विकेट कीपर के पास, कोई रन नहीं। अच्छा गेंदबाजी का प्रदर्शन राजीव की तरफ से। इस ओवर में चौथी बार आते हुए राजीव गेंदबाजी करेंगे अक्षय को, और पिच गेंद, उस गेंद का कोई फायदा नहीं उठा पाए, गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, जबकि लॉन्ग ऑन से गेंद फील्ड करते 1 रन। इस 1 रनों के साथ स्कोर हुआ है 3 विकेट के नुकसान पर। राजीव राणा इस ओवर में पांचवी बार आते हुए करण पवार को दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और फुल टॉस गेंद, उसे उछाल दिया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर के लिए, सुंदर शॉट, ऐसी गेंद बैट पर आए बल्ले पर मिली, गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से उठा दिया 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के साथ कुल स्कोर हुआ 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में आखिरी के नुकसान कॉटन बोल्ड करण की दूसरी सफलता।
36 कौन है बैट्समैन? और अब बॉलर कौन है? दिनेश पाटिल गेंदबाजी के लिए। और अरे उछाल दिया है मिड विकेट के काफी बार। महेश पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं अक्षय को। महेश पाटिल स्ट्रोक बैकफुट पे गए और स्क्वायर कट किया पॉइंट के ऊपर से। शोर में फिर एक बार उसे और गेंद पर से 6 रनों के लिए और 50 रन म्यूरियल मास्टर के 50 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही अच्छी गेंद रन नहीं। फिर एक बार दिनेश महेश पाटिल लाइन हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे और एक काफ़ी अच्छी गेंद गेंद का थोड़ा सा गेंद विकेट के पास गई कोई रन नहीं और इसी के साथ ओवर ओवर की समाप्ति और मैच खत्म। इसको और इसका मैन ऑफ द मैच राजीव राणा जबकि उन्होंने 2 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट लिए हैं राजीव राणा। और इसी के साथ ये मैच 35 रनों से जीत लिया है 35 रन्स विक्ट्री। मैन ऑफ द मैच राजीव राणा 2 ओवर 17 रन्स एंड 3 विकेट्स। बहुत ही अच्छा गेंदबाजी का प्रदर्शन राजीव राणा की तरफ से और मैन ऑफ द मैच घोषित किया है। एक अच्छा गेंदबाजी का प्रदर्शन राजीव राणा की तरफ से। और अगला मैच शुरू होने जा रहा है लेडीज़ है।